कैसे करें किसी भी एग्जाम की तैयारी, जब बचा हो एक महीना या एक हफ्ता या फिर एक दिन, आज आप जान जाएंगे कि आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। क्या आपके पास तैयारी के लिए बहुत कम समय बचा है? अगर हाँ तो यह वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। जानिए पढ़ाई का सबसे प्रभावी तरीका और कुछ खास टिप्स कम समय में अच्छी तैयारी के लिए। जब भी कोई एग्जाम शुरू होने वाला होता है तो बहुत से छात्रों को अक्सर एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है, और वह समस्या यह है कि उन्हें कम समय में बहुत ज़्यादा सिलेबस तैयार करना पड़ता है। यह समस्या उन छात्रों के लिए बहुत बड़ी होती है जिन्होंने पूरा साल कुछ भी नहीं पढ़ा होता। अक्सर छात्र इंटरनेट में कुछ इस तरह के सवालों के उत्तर ढूंढते रहते हैं, जैसे सर एग्जाम की तैयारी एक महीनों में कैसे करें, एक हफ्ते में कैसे करें, या फिर एक दिन में कैसे करें, सर याद ही नहीं होता है। आज हम यहाँ आपको कुछ टिप्स इस वीडियो में देंगे जिनसे आप बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हैं और एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर हासिल कर सकते हैं। एक खास टिप आपकी हर परिस्थिति में मददगार होगी, फिर चाहे एग्जाम की तैयारी में एक महीना बचा हो या एक हफ्ता या एक दिन। यह एग्जाम छमाही परीक्षा हो सकती है, बोर्ड परीक्षा हो सकती है, या कोई अन्य प्रतियोगिता परीक्षा भी हो सकती है। तो आइए जानते हैं कुछ खास टिप्स। पहली टिप्स की बात करते हैं। सबसे पहले पुराने पेपर और सिलेबस देखें, थोड़ा रिसर्च करें। किसी भी एग्जाम की तैयारी शुरू करने से पहले पूरा सिलेबस और पुराने पेपर देखकर थोड़ा रिसर्च जरूर करें। पहले जाने कि सिलेबस में कितने चैप्टर और टॉपिक दिए गए हैं, फिर पुराने पेपर देखकर यह जानने की कोशिश करें कि किस चैप्टर से सवाल जरूर पूछे गए, या किस चैप्टर से ज़्यादा सवाल पूछे गए, या किस चैप्टर से सबसे कम सवाल पूछे गए, या किस चैप्टर से सरल सवाल आए और किस चैप्टर से कठिन सवाल आए। नंबर दूसरी टिप, चैप्टर्स को तैयार करने के लिए एक टाइम टेबल सेट करें। सिलेबस और पुराने पेपर्स की एनालिसिस के बाद चैप्टर्स को तैयार करने के लिए एक टाइम टेबल भी बनाएं। हो सकता है कि कोई चैप्टर तैयार करते वक्त 10 या 15 मिनट या कम से कम ज़्यादा समय भी लग सकता है, इसलिए टाइम टेबल बनाते वक्त हर चैप्टर या टॉपिक के लिए कुछ समय का मार्जिन लें। नंबर तीसरी टिप है, आसान चैप्टर्स को पहले तैयार करें। तैयार करते समय आसान चैप्टर्स को सबसे पहले समय तैयार करें, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऊँचा हो जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि कठिन चैप्टर में फंसे ही रह जाते हैं और उन चैप्टर्स में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, आसान चैप्टर्स भी नहीं तैयार हो पाते हैं। इसलिए कठिन चैप्टर्स को बाद में पढ़ना चाहिए। मान लीजिए आपको 3 चैप्टर तैयार करने हैं और तीनों ही आपके लिए आसान हैं, तो सबसे पहले वो चैप्टर तैयार करें जिससे एग्जाम में सबसे ज़्यादा नंबर आने की संभावना है। नंबर चौथी टिप्स, भरपूर नींद और उचित आहार लें। जब आप कम समय में ज़्यादा पढ़ाई करते हैं तो आपके मस्तिष्क पर ज़्यादा दबाव पड़ता है, इसलिए इस समय आपको भरपूर नींद लेनी चाहिए, इससे आपकी एकाग्रता या क्षमता पर कोई भी प्रभाव ना पड़े। इस समय आपको बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। नंबर पांचवी टिप्स की बात करते हैं, पॉइंट्स बनाकर पढ़ें। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आपको टिप्स पसंद आ रही हैं, तो एक लाइक कीजिए जिससे एक्ट एग्जाम का मोटिवेशन बढ़ता है। चलिए वीडियो पर आते हैं। जब भी आप पढ़ाई करें तो पॉइंट बनाकर पढ़ें। पॉइंट्स बनाकर पढ़ाई करने से आपको रिविजन करने में बहुत आसानी रहती है, खासकर उस समय जब एग्जाम शुरू होने से पहले कुछ घंटों का समय बचा हो। सब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर देते समय अगर आपको महत्वपूर्ण पॉइंट्स याद होंगे तो आप आसानी से बड़ा उत्तर दे सकते हैं। नंबर छठी टिप्स की बात करते हैं, जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो सिर्फ उसे अपने स्टडी के साथ में रखें। समय कम हो और सिलेबस ज़्यादा हो तो आपके लिए एक एक मिनट बहुत कीमती होता है, इसलिए जब पढ़ाई करें तो आपके पास सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें हों, जैसे उस सब्जेक्ट से जुड़ी किताबें, डिक्शनरी, पानी की बोतल आदि। उस चीज़ को साथ ना रखें जिससे आप पढ़ाई में ध्यान केंद्रित ना कर पाएँ। यदि आपकी पढ़ाई के लिए लैपटॉप ज़रूरी ना हो या मोबाइल ज़रूरी ना हो तो उसका उपयोग ना करें। अगर इंटरनेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो स्मार्टफोन साथ रखें, पर उसके इस्तेमाल जहाँ तक हो बचें। नंबर सातवीं टिप की बात करते हैं, पढ़ाई के बीच ज़्यादा ब्रेक ना लें। अगर बोर हो तो ग्रुप स्टडी करें। अक्सर आपने लोगों से सुना होगा कि पढ़ाई के बीच ज़रूर थोड़ा इंटरवल लेना चाहिए। यह बात तभी तक सही है जब आपके पास समय बहुत ज़्यादा हो और सिलेबस बहुत कम। जब आपके पास बहुत कम समय हो तो आपको पढ़ाई के बीच ब्रेक से बचना चाहिए। अगर आपको ये टिप्स अच्छी लगी तो लाइक करें। एक थैंक यू। फिर मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में।